योगेंद्र यादव की सभा में वीबीए के वर्कर्स का जमकर बवाल। पुणे में शिवसेना विधायक के बेटे की कार से 5 करोड़ रुपए जब्त, हिरासत में 4 लोग। उद्धव के आगे नहीं झुके, शिवसेना को विदर्भ में नहीं दे सीट, महाराष्ट्र कांग्रेस ने दिल्ली को भेजा मैसेज। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, 3 महिला समेत 5 नक्सली ढेर। योगेंद्र यादव के भाषण के बीच हंगामा, मंच पर चढ़े लोग, चली कुर्सियां। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक, सीटों पर फंसा पेंच। अजित गुट ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, नवाब मलिक का नाम गायब। ठाणे में हिट एंड रन, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत। बीजेपी के साथ जाना अफजल खान से हाथ मिलाने जैसा, आरोपों पर भड़के राउत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 4 आरोपियों की पुलिस रिमांड, 25 अक्टूबर तक बढ़ी। सलमान को धमकी देने वाले ने मांगी माफी, कहा गलती हो गई। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म, 25 अक्टूबर को फिर मीटिंग। एमवीए में सीट बंटवारे पर सस्पेंस, पटोले बोले 30-40 सीटों पर चर्चा बाकी। महाराष्ट्र में तीसरी पीढ़ी की एंट्री, 2 पूर्व सीएम के पोता पोती को टिकट। महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में मनोज जरांगे, किसे नफा और किसे होगा नुकसान। महाराष्ट्र चुनाव के बीच पुलिस ने नोटों से भरी गाड़ी पकड़ी, संजय राउत ने किया बड़ा दावा। एमवीए में सीटों के विवाद को सुलझा पाएंगे थोराट, शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 25 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। तुम कहां जाओगे दुनिया में अंधेरा करके, जिशान सिद्दीकी ने शेयर की पिता की पसंदीदा शायरी। उद्धव ठाकरे पर संजय निरुपम का तंज, कांग्रेस को अब समझ में आ गया है। मुंबई में क्लिनिक के बाहर बड़ी मरीजों की संख्या, डॉक्टर बोले पैनिक ना हो। एक छोटे से कमरे में करोड़ों की ड्रग्स बना रहा था डॉक्टर, पुलिस ने धर दबोचा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आया नाम, तो पार्टी ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर, कहा हमें आप में भगत सिंह दिखाई देते हैं। 100 की स्पीड में दौड़ रही थी ट्रेन, अचानक बंद हो गया सिग्नल। तू बोलली होती बर का, आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे। मी पहिले शाळेत घातलं की 6,000 रुपये, आणि हो जेव्हा 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये, आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही की 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडी मध्ये जाऊन लेख लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची। एवढंच करायचं होय। धन्यवाद बर का माझ्या लेखीनं। या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेख लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेखींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ, हीच आहे महाराष्ट्र सरकार।